मैक टू माई चैनल। और कई दिनों से वीडियोस बिल्कुल ही नहीं मिल रही थी क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा पढ़ना वढ़ना रहता है, तो इस वजह से। पर उसी की वजह से धमाकेदार कमबैक मैंने सोची थी, तो मैं अपनी कुछ कंप्लीट वाली और अनकंप्लीट वाली ड्राइंग दिखाऊंगा जो मेरी फाइल और नोटबुक्स में है। चलिए शुरू करते हैं। एडिटिंग आती नहीं है तो वो खुद ही बोलना पड़ता है मुझे भी। तो ये है विष्णु जी की ड्राइंग जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है फिलहाल। अभी मैंने थोड़ा मतलब कल ही काम करा था इस पर, इस वजह से। ये भी वही है कि ये भी इनकम्प्लीट है, पर मैंने इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करी है। ये आपको इसका रिव्यू बताइएगा पक्का, क्योंकि ये मुझे जब मैं बना रहा था ना, मैं अनजाने से बहुत अच्छी 3D वगैरह बन गई। फिर ये भी एक अनकम्प्लीट ड्राइंग जिसके ऊपर यहाँ पे राम जी और यहाँ पे विष्णु जी है ना, तो इस वजह से वो अलग है। सेकंड साइड तो ये थी मेरी कृष्ण जी वाली ड्राइंग जो कि आपने मेरी वीडियोस में देखी होगी, जन्माष्टमी स्पेशल बनाई थी मैंने। ये थी मेरी ट्री जो कि मैंने आर्ट क्लास में बनाया था। ये था ट्यूलिप जो कि मैंने अपनी आर्ट क्लास में सेम टू सेम बनाया था। फिर ये है कंपैरिजन मेरे 2024 का और 2022 का। आपने इस पर बहुत अच्छे व्यूज़ दिखाए थे। और ये है कृष्ण जी की ड्राइंग, कुछ ऐसी है, थोड़े वगैरह स्क्रैच वगैरह पड़ गए हैं। और ये है गणेश जी की जिस पर भी बहुत व्यूज़ आए थे। और ये मैंने कभी नहीं दिखाई क्योंकि ये बसंत पंचमी के बीच में हुआ था, तो तब भी एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे। तो ये है सरस्वती माता की ड्राइंग जो कि मैंने बनाई थी। इसको पता है मैंने वाइट पेज पर ड्रॉ करा, फिर मैंने एक मेरा मतलब येलो पेज पर ड्रॉ करा, फिर वाइट पेज लिया और इसको येलो पेज उसको सरस्वती माँ की सारी डिफाइन करके पेस्ट कर दिया और फिर वो बन गया। यही है, यहाँ पे पतंग भी उड़ाई थी मैंने क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पतंग भी उड़ाते हैं इस टाइम में। तो ये है मेरी ड्राइंग बुक जिसको मतलब मैंने बहुत वो करा। ये थी गोकू की ड्राइंग सुपर सयन। और फिर थी मेरी क्या कहते हैं किधर गई, हाँ ये हनुमान जी की ड्राइंग है जो कि आज तक कभी मैंने कलर नहीं करी सही में। ये थी गणेश जी की ड्राइंग जो कि मेरे फेवरेट्स में आती है। फिर ये थी कृष्ण जी की ड्राइंग जो कि मैंने बनाया था। इस पे मतलब बहुत आपने अच्छा रिव्यू दिया था। और ये वो ड्राइंग है जिसकी कलरिंग पार्ट बहुत लेट आई थी, बहुत लेट सही। ये थे कृष्णा जी की लाइट जिस पे आपने सबसे ज़्यादा व्यूज दिखाए थे, उसका नाम हाँ कम से कम टू हंड्रेड के बराबर चली गई थी। और ये थी मेरी फर्स्ट हाफ फेस ड्राइंग जिसका थोड़ा मतलब ये ऐसे हो गया था, गड़बड़ हो गया था हल्का सा, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे मानो ये दोनों अलग से बाहर निकल रहे हों। और ये थी टीचर स्पेशल ड्राइंग जो कि मेरी फेवरेट ड्राइंग में से आती है, खासकर ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो बहुत वो हुआ था। फिर ये थी गणेश जी की ड्राइंग जिसको मैंने शॉर्ट से छांट कर करा था। फिर ये था शिव परिवार जो कि मैंने ड्राइंग करी थी, टू पार्ट्स आए थे टोटल इसके। फिर ये थी स्प्रिल आर्ट जो कि पहली बार फर्स्ट टाइम करी थी, तो थोड़ा सा अगर बगड़ हो गया था फर्स्ट टाइम था तो, बट दिस वन मैंने सूरज टीचर से बनाई थी। और ये राम दरबार बनाया था मैंने हनुमान,
राम दरबार बनाया था मैंने सही में। फिर ये थी मतलब मेरी अलग सी ड्राइंग जिसको मैंने फर्स्ट टाइम एकदम बहुत सीरियस लेके करा था सही में। ये थी मेरी क्रिसमस स्पेशल ड्राइंग जो कि थोड़ी ज़्यादा ही मैंने संजू आर्ट से देख के बनाई थी, आप देख के ही समझ सकते हैं। मैंने संजू आर्ट से पहली बार ट्यूटोरियल लिया था पर सही में बहुत अच्छी बनी थी, आप देख ही सकते हैं, रिव्यू दीजिएगा कितना अच्छा आया है। और ये फिर थी बसंत पंचमी स्पेशल ड्राइंग जो कि एक और मैंने बनाई थी, पर ये फिर मतलब ये मतलब मैंने ये दोनों मैंने आर्ट क्लासेस सीखा था, फिर मैंने ग्रास अपने मन से बनाई थी। आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल रेटिंग दीजिएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।